मन्नू भैया कोनो लड़की बड़ा बदमाशी करतिया हो तब का तू जब पढ़े जा कॉलेज में ओकर लड़का कोनो मन पसंद रहल रोज ओके लाइन मारे उ लड़कावा कहे का कहे पढ़े के उमर बाटे करे दे पढ़ाई हमारा पर कर जीना प्यार के चढ़ाई हमारा पर प्यार के चढ़ाई हमारा पर कर जीना प्यार के चढ़ाई पढ़े के उम्र बटे करे दे पढ़ाई हमारा पर कर जीना प्यार के चढ़ाई हम के बिगड़ बे हम गावत बड़ी अरे बाबा और हमारे बड़े भैया विशाल जी जो बिरहा के प्रति अपना हर चीज न्यौछावर कर दिए और बिरहा कलाकारों के लिए सम्मान देने का काम किए आज ये वीर रस के बिरहा आप लोगन के बीच में जाता लेकिन गौर से सुनेंगे लोग कहते हैं नारी नारी होती क्या है, क्या है? चार लल भूमिका में कवि खलन उठा के वाह तो जंग चौहरी जवानी का आलम भरा तो जंग चौहरी जवानी का आलम भरा जिनका रग रगी में सागरी सब तूफानी है करे जंग की सम्मान ये अपने पुरसारति और वीरता पर अभिमान था तो सर पर बांधे कफन का ठाकुरी चला जा जी ने मरना वो तनिका ए वरदान है खला हो सर पर बांधे कफन कभी ठाकुर चला जीना मरना वो तनिका ये वरदानी है लेकिन लिखे के पड़ल बाबा बाबा विशाल भैया कवाली बा अरे बा कौनो आशिक बारे आशिक आशिक बा, 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 बारे आशिक आशिक मतलब जाने ला हाँ हो तनी मनी जाने ला का होला उहे होला अरे उहे का होला अरे भैया अब ना बताई हम जाए तो कम से कम एगो आँख तो खुला बतवा हमारा आँख से काम मतलब हमारा काम से ना मतलब भैया
ये कौनो आशिक अपने मासुका से कहे अरे बा हम तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। अरे मोहब्बत मोहब्बत अच्छा बारे मोहब्बत कहे क्या कहे मास्टर होठों पे तेरे प्यार का होठों पे तेरे प्यार का इजहार हो ना हो अरे होठों पे तेरे हो ना हो हम कर चुके हैं प्यार हम कर चुके हैं प्यार तुझे प्यार हो ना हो अरे हम कर चुके कभी जी यहाँ भाव में लिखलन हूँ का लिखलन हमर मिटेंगे शान से अरे हमर मिटेंगे शान से सम्मान हो ना हो लेकिन बिरहा का शुरुआत हो गई जौहरी सर में मास्टर का Yeah!
अरे जिया बछरू बछरू तोरा ना बुझाई। अरे बार भैया तू बूढ़ हो गईला। इससे कैसे हो? चार थे लड़की लेकर हूँ भैया, लेकिन कहानी तनी समझ ली हल जाए। अरे बा उत्तर प्रदेश के धरती मिर्जापुर जिला वीरो की धरती, अरे बा माँ विंध्यवासिनी के धरती, बा 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 जिस धरती पर एक मुसलमान के घर में एक बेटी जन्म लेती है जिनका नाम है हमीदा। हमीदा बचपन से ही वो बड़ा तेज तरार रहल, खाए पिए में भी बड़ा चंट रहल, अपन खूब खा पिय आ जब सवेरे होखे तो घरवे में लागल रियाज मारे। अरे जिया पहलवान मैं मर्दवा, हम पहलवान थोड़ो है। अरे कोनो पहलवान से कम हो का हो? अच्छा 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 तो हम ही पूछ ली है, हमने के बता देनी है भैया। ठीक बात, तू ना ही बताओ तो ठीक बात। हमीदा के अब्बू, जैसे हमने के हिंदू में अपने बाबूजी के बाबूजी पापा कहीं ले जाए, वैसे मुसलमान भाई लोग में अब्बू लोग कहेला। हमीदा के अब्बू आके कहलन की अरे बेटी ये सब का करेलू, कैसा रियाज मारेलू, पहलवानी लइकिन के ना करे के मर्दन के हा, ई मर्दन के हा। हमीदा कलस की अब्बू तू हूँ मर्दे हुआ, हम तुहार बेटी हैं, तो जब ठान ले ले बानी की पहलवानी करब तो करब दुनिया के कोनो ताकत ना रुक। ओ समय ये हर कैली ना का मास्टर एक लाइन तर्ज लग गई। गीत बा हमारा के तड़ी पाके तू बोलो ना का पाइबो, हमरा के तड़ी पाके तू बोला ना का पाइबो, ए राजू बोला आइबा कि ना आइबा, अरे ए राजू अब्बू से कहती है हमीदा का कहले बे बेटी हमीदा गरज के बोली नहीं हम धर्म, अरे बेटी हमीदा गरज के बोली नहीं हम धर्म, हम मर्दन से लड़बो, अरे ए भैया मर्दन से लड़बो, अरे ए भैया हम मर्दन से लड़बो। अबू जान हम अपना जिला जवार के नाम दुनिया में रोशन करब, लेकिन ओ लड़की के पहलवानी सिखावे बदे कोई तैयारे ना होखे, आखिर उ गईल कहा रहले सलाम जेकर अलीगढ़ मा कनिया, अरे रहले सलाम जेकर अलीगढ़ मा कनिया, अरे दाव पे के सिखावे लगल गुरु के शरणिया, अरे दाव पे के सिखावे लगल गुरु के शरणिया।
अरे जिला जवार के नमा यही दुनिया में करबो जवार के नमा यही दुनिया में करबो ए भैया हम मर्दन से लड़बो अरे ए भैया हम मर्दन से लड़बो अलीगढ़ के रहने वाला सलीम सलीम के नाम सुनलस की बहुत बढ़िया पहलवान हुन कलस की काहे ना वो जे चली उनजे सीख ले मिर्जापुर से हमीदा चली गई अलीगढ़ और सलीम के यहाँ जा करके कहती है गुरुजी हमको ऐसा पहलवान बनाइए कि कोई हमारे टक्कर के ना हो, ना हो। सलीम अपन पहलवानी सिखावे लगलन रियाज मरवावे लगलन पहलवानी दाव पेच सिखावे लगलन वो समय पहला दंगल अरे हमीदा के कहां भाई कहां भाई एक भाव में लिखल गई तर्ज लगल मास्टर साहब जौनी तर्ज के हमारे स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी अपनी जवानी की अलमे बड़ो तबेर के गांव राजा तोरे तबे जवानी हो तनी बजा दे मशरबत अरे झूलनी पर उड़ानी गद्दारी होत एक पति और जान जाओ चाहे रहो एक पति और ही बढ़ा सही है अरे हमारी हमीदा के पहली दंगल कहाँ बाल? भाव में लिखल गिल मास्टर पहला दंगल हमीदा के काशी बनारस में दंगल के ऐलान हुआ अपने गुरुजी सलीम से हमीदा कहती है गुरुजी दंगल के ऐलान भइल बा काशी में तका हम जा सकीला कहना बिल्कुल जब हमीदा आई काशी बनारस में तो लोग हमीदा के मजाक उड़ावे अरे यार हाई लड़की लड़ी लड़की कैसे लड़ी हो लड़की का लड़ी
इतना बिहड़ बिहड़ पहलवान आई दू दिन के लड़की लड़े आई दिया, लेकिन भाई का पंजाब के सारी रहल पटियाला के दुलार हो, पश्चिम बंगाल से आयल बाटे पनिकासर हो, पंजाब के सरी, अरे वाह, बंगाल के सरी, बड़े बड़े पहलवान जुटे थे, जब अखाड़ा में चढ़ल हमीदा हो, अरे वाह, लागल भांजे की, लागल जब भांजे, बार हमीदा, अरे है कोई माइक लाल, हाथ मिलाओ, ऐलान कर देलस, वही में से पंजाब के सरी उठलन कल दो दिन के लड़की अरे अखाड़े में चैलेंज कर रही है, ऐलन हाथ मिललन जब दोनों ओर से कुश्ती होखे लागल, मरल स अखाड़ा पर चीते हो गइलन, अरे वाह, पंजाब के सरी, अरे वाह, बंगाल के सरी जब देखलन कलन के है ना देखल, इ त मर्दन के पगरिए चल जाले, इज्जतिए चल जाले, चीते हो गई, अब तो पहलवानों में हड़कंप मच गई, अरे बाप रे बाप, एगो लड़की एगो लड़की इतना बिहड़ बिहड़ पहलवानन के पटक दिलस, उस समय हर भाईर का तर्ज बदल गई मास्टर साहब, राजकुमार इहो तर्ज पुरान हो, आजकल जो नई नई की आओ थे फुलझरी, कुल फुलझरी है, चुर 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 जर के बुता जाए, लेकिन जौन पुरन की है आग हो, जब बरी ते बेर कुल जरा के राख कर दे, ऐसे ई बम है का हा मास्टर, अरे आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, चूड़िया खनके खनकाने वाले आ गए, चूड़िया खनके जब ये गाना निकल रहल बम्बई विरह होत रहल, उस समय विशाल भैया गई रहन, अब विरह होत रहल जब विरह चपल रहे हैदर अली झुगनू से विरह होत रहल, अब विशाल भैया भी गई रहन, आ बल्कि इनाम भी बड़ी देलन, जेकरा के जवन चीज जोच जाला वो के गावे लागेला, लेकिन तनी भाव पर गौर करी हन, भाव में लिखल गई का मास्टर साहब, अरे आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आज मानने वाले आ गए, अरे मर्दन के छक्का, हम मर्दन के छक्का छोड़ा
छुड़ाने वाले आ गए, मर्दन के छक्का 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 छुड़ाने वाले आ गए। लेकिन अरे बा कह लगी कबो कबो मर्द हो को चाहे मेहरारू जब बढ़िया काम पर और जला तो करा अंदरे अंदर घमंड भी हो जला। हमीदा के घमंड होखे लागल, आज जब घमंड होखे लागल तो एगो बात का ऐलान कैलस। का कैलस? हमके दंगल में पछारी, सिंदूर मंगिया में डाली, पेपर पत्रिका में छपवाली उहो दिहली लाला कारी, पेपर आने वाले आ गए। ऐलान कर देलस कि जिया दंगल में हमके पटकी, उहे हमरे से बियाह करी, यहाँ तक कि पेपर पत्रिका में भी छपवा देलस। अब तो औरी पहलवानों के आग न लग गई। अरे हई न देखो कर देखा चैलेंज करतिया मर्दन के वो भांजतिया वो समय। अब तो ओकर कुश्ती एकदम चरम सीमा पर रहल। हमीदा कोनो ओइल गइल ना रहल, पहलवान रहे भाई एक पीस रहल सुंदर जैसे पंजाब के गीता रली। अरे वही तरह एक पीस खूबसूरत भी रहल। पहले तो पहलवान देख सन तो देखते रह जाने। अरे वाह, अरे क्या है, कहीं हम पटक देती तो मजा आ जात। बारे भाई बारे कभी जी। तब वो समय हर होत का बा तर्ज बदल गिर मास्टर। तर्ज पुरान बा खाली पुराना भरमो का बा बदवा जे तना पुरन की में मजा बा तना नईकिन में थोड़ो मजा बा। लईकी में नईकिन में कहत है। अच्छा ए तर्ज के रामदेव गुरुजी अपनी जवानी में गावा। कैसे गावा मास्टर? कैसे लोग सुनलन तो भइल का मास्टर साहब जीती जाई लड़ैया
हस्ती के ऐलान भइल बड़ा उदास सहरिया बाबा पहलवान सुन के कैले तैयारिया तब ऐलान हो गई बड़ौदा उसमें बाबा नाम का पहलवान दिल में जोश भर करके हुंकार भर करके बड़ौदा में आते हैं और ऐलान करते हैं, रे लड़की तुम हम सब मर्दन के पगड़ी डुबावल चाहती हो, आज यही अखाड़ा में तोरे के पटकप आ तोरे मांगे में सिंदूर भी डालब। हमीदा खूब ठठा के हंसलस, कलो कोनो बात नहीं खे, शौक से तू हमके पटका, हमारी मांग में सिंदूर डाला और खुशी से हम तोरे घरे चले बदे तैयार हैं, लेकिन पटकब तब ना। बाबा पहलवान अखाड़ा पर गईलन, रेफरी अपन समय टाइम फिक्स कर दिया, दोनों ओर से हमीदा और बाबा पहलवान दोनों लोग लड़ाई लड़ने लगे, कुश्ती लड़ने लगे, लेकिन समय के अनुसार समय से पहले ही हमीदा कैलस का टेरी लग गई। मास्टर साहब जवानी जंगी पानी पर मिटी, जवानी जंगी पानी पर मिटी, आबरू आन शान पर भिड़ गईले सहेलानी, जंगी पानी पर मिटी, आबरू आन शान पर भिड़ गईले सैलानी। ए भाई केतनो तो मेहरारू, मेहरारू है ओके, मेहरारू के कही हो मैं मदवा कर, मेहरारू नहीं तो का ही है। अरे भैया तुम मर्दन के काम करते हो, इतनी घरी हो, इतनी घरी, इतनी घरी। आदमी सोचेला कि मेहरारू के दबा के रखी, दबा के रखब तो उन्हें में भलाई बा, लेकिन सब मेहरारू थोड़ो दब के रही हैं। वो समय हमीदा बाबा पहलवान संगे लड़त लड़त मरलस दाव, बाबा पहलवान जब गिरलन अखाड़े पर हो, जेतनी भीड़ जुटा रहल सबकर आंख नम हो गई, आंखों में आंसू भर गया। रे वाह, जो बाबा पहलवान को आज तक कोई नहीं पटक पाया, उस पहलवान को एक मामूली सी लड़की पटकती। सारे लोग बैठे थे, हमीदा पटक करके बड़ी सम्मान से हाथ पकड़ करके कहती है, उठिए पहलवान, उठिए पहलवान साहब। पहलवान बाबा उठलन, तब कहलन कि बहन मैंने जिस लड़की को तुच्छ समझ करके आया था, मैंने जिस लड़की से शादी करने के नियत से आया, लेकिन आज से तू मेरी धर्म की बहन है। भरल सभाए अखाड़े में फाड़ करके गमछा और देता है, कहता है ले बहन मेरे कलाई में राखी बांध दे। राखी बांधती है
और बांधने के बाद में बाबा पहलवान ने मुस्कुरा करके कहा, बहन जाओ, आज से तेरा नाम हम ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग गाएंगे। अरे वाह। मगर एक खुशी, एक आदमी कब बर्दाश्त ना होता। आखिर में वो कौन आदमी था जिस आदमी से ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रहा था? आइए मैं उस आदमी का नाम बताती हूँ। कौन आदमी था मास्टर? हमारे विशाल भैया स्टूडियो में बैठल हुए, रामदेव गुरु, बुलू गुरु, बेचन गुरु, जो कि बेचन गुरु जी का आप परम भक्त थे, परम मित्र थे। आज लोग दुनिया में नहीं खे लेकिन ई गुण गवाता, नाम अमर बा। ये वो लोगन के तर्ज जब लोग गावे तो लोग झूम जाए। का गावे मास्टर साहब? कैसे? वो समय जब बाबा पहलवान को पटकती है हमीदा, तो हुआ क्या मास्टर साहब? हमीदा जाती है अपने गुरुजी के पास, सलीम के पास, पांव छू करके प्रणाम करती है, कहलक गुरुजी अब तो ये जिला जवार में केहू हमारे टक्कर के पहलवान है ये नहीं, अब कैसे कुश्ती लड़ी। अरे बा। लेकिन हाँ, पेपर में छपा रहल यूरोप में एक दंगल के ऐलान भइल बा।
तो का गुरु जी हम जा सकीला इहे तब बतिया काल बन गई। बाप रे बाप, हम गुरु होके कबो विदेश लड़े ना गई नी, आई हमार चेलाइन होके विदेश लड़े जाई, ई ना हो सके। बारे गुरु जी केहू भी अपन चेला निकालेला तो सोचेला कि कितना ऊपर जा, हमार नाम दुनिया में करे फलाने का चेला है, फलाने का चेला ही नहीं। लेकिन ई गुरु जी के देख कला लड़की खबरदार, तुम विदेश नहीं जाओगी। कल गुरु जी दुनिया एहर से हर हो जाए, लेकिन हम लड़े जाए मानब ना। यही बात खटकने लगा दोस्तों। वाह 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 वाह। आ जब खटके लागल तो उस समय कैलन का मास्टर साहब अल्हा लग गए। अरे बीर बहुटी बिरांगना के देखी के बीर तैया, अरे मर्दन के मर्दैया कोहली कौड़ी के दी, अरे सुनले सलीम जब रूप वाला बतिया, अरे लड़ खातिर दगल नहीं जेबू वही सलीम हमीदा से कहा, अरे लड़की हमके शौक ना लाग रहल कि तो के पहलवानी सिखाई, तू जाने लू कुछ उम्मीद हमरो रहल, हम तो से बेहद मोहब्बत करीला, इतने ना हम निकाह भी तो से कर चाहता नहीं। ये तो आजकल के गुरु जी लोग बा, बारे गुरु जी जवनी गुरु के लोग भगवान से भी बढ़ के ओकर पूजा करेला। बा, 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 बा। गुरु तो गुरु होते हैं, लेकिन एक गुरु कितना गिरा हुआ इंसान निकला। हमीदा बिलख पड़ी और हाथ जोड़ करके कहती है, गुरु जी आपको हमने अपना पिता माना था, आप हमारे पिता हैं और बाप से कभी बेटी शादी नहीं कर सकती है गुरुजी, ऐसा मत करिए गुरुजी, हमें जाने दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए। अपने दो चार चेला को लेकर के आया और हमीदा के पकड़वा कर हाथ गोड़ बनवा देता है और वो कमीना पापी सलीम हमीदा के शरीर पर डंडा बरसाने लगा। अपने चेलाओं से कह करके हमीदा के शरीर पर डंडा बरसाने लगा, अपने भी मारने लगा। हमीदा चिल्लाती रह गई, कराती रह गई, गुरुजी छोड़ दो, मैं पहलवानी छोड़ दूंगी।
मैं विदेश नहीं जाऊंगी गुरुजी, लेकिन हमें छोड़ दीजिए गुरुजी, हम घर जाऊंगी, लेकिन कमीना गुरुजी कहे के माने जा, यहाँ तक मार करके हमीदा के दोनों पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, और चेलों से कहकर उठवा करके रोड के किनारे फेंकवा देता है। रोड के किनारे करा रही थी, आ आ की आवाज आ रहा था, कुछ लोग जा रहे थे, अरे कोई लड़की की आवाज आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। जब रोड के किनारे लोग गइलन होए बाबू, देखलन तो हमीदा के की ना चिन्हता, अरे ये तो वही लड़की पहलवान है जो बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दी। बेटी तू हमीदा है ना, रो करके बोली, हाँ चचा हमार नाम हमीदा, लेकिन बेटी ये कुल कहिल की है, कैसे हुआ के मारल। उस समय हमीदा बिलक करके बोली खड़ी में, का मास्टर साहब चचा, केकरा पर अब आदमी विश्वास करी हो, बार गुरुजी की आपन बा, 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 की पराया बा, 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 बेटी बता, चल पहले हम तेरे घर ले चलते हैं, कहाँ की रहने वाली है। बा, बा, कलश की चचा, हमार घर मिर्जापुर है, हमरे अब्बू जान के पास पहुँचा दे, पता बताई, ले करके मिर्जापुर आए। बाबा अब्बू अम्मी देख करके अपनी बेटी की हालात रो रहे हैं, वही रो करके बोली कि आज हमने जिसको अपना गुरु मानी थी कि वो और ना हो चचा, हमारे दुनिया में कोई दुश्मन नहीं थे, हमारे गुरु जी ही हमारी ई हाल कैले, रोग दंग हो गए। बाप रे बाप, जौनी गुरु के नाम पर ई लड़की रोज पूजा कर, आज ओ गुरु जी के दिल में इतना बड़ा पाप। आखिर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ओ हमीदा का ना हाथ सही रहा ना पैर सही रहा, यानी विकलांग हो गई। ओ लड़की सोच गई अब इस दुनिया में कुछ नहीं है, बहुत लोग आए, हमीदा शादी कर ले, निकाह कर ले, जिंदगी हम बिता देंगे, लेकिन कहती है नहीं, मैंने ऐलान की थी कि जो हमें पटकेगा वही मेरे मांग में सिंदूर डालेगा, मैं ता जिंदगी कुंवारी अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन किसी मर्द के साथ नहीं, नहीं जाऊंगी। उस में वो कैलिन का मास्टर साहब लिखे के पढ़ल, बम्बई कल्याण में कैली दूधा के दुकनिया, अरे हमीदा बनो के बाटिया मीठा कहानिया, ऐसे कर बना ही दे सबा ऐसे कर बना ही दे सबा, अरे विकास करिए क्या बया अपनी पराया पर विश्वास करिए।
मेरा गुरु ही धोखेबाज निकल गया। तो मैं अब किसी मर्द पर विश्वास नहीं करूंगी। वही बम्बई कल्याण में जा करके एक दुकान करती है दूध की, और वही दूध बेच करके अपना गुजर बसर करने लगी। तो ये रहा एक वीरंगना की गथा और एक गुरु। गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। अरे वाह, भगवान को लखाने वाला, आप भगवान को रिझाने वाला, भगवान को लखाने ला वाला, वही अगर गद्दार हो जाए, वही धोखेबाज हो जाए, तो फिर कौन किस पर विश्वास करेगा। तो ये रहा एक वीरंगना की कहानी। आखिरी लाइन में लिखना पड़ा क्या मास्टर? पत्तु छे बर सुख नंदन है जग में नाम कमाई, काशी बोलू सिंटू सैयद अरे पावर ना कोई पाई, अरे जवान